नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सिरोही आपका स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखो ये मेरा करौंदे का पेड़ है, इसके फ्लावरिंग कितनी आ रही है, देखो कितनी फ्लावरिंग है इस पर। और ये विटामिन सी से भरपूर होता है, तो फ्लावरिंग देखो इस पर कितनी फ्लावरिंग आ रही है। और ये पेड़ जो है तकरीबन एक दो महीना छोड़ के 12 महीने जो है फल देता है और इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। मैं तो किसान भाइयों से ये कहूँगा कि जो है अपने यहाँ इसको लगाएं और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। और जिन लोगों को जानवर परेशान करते हैं खेतों में, अगर जो ये उसकी बाड़ लगा दें अपने खेतों के चारों तरफ, तो जानवर की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत भयंकर कांटे होते हैं इसके, और इसकी कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती और मार्केट में इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर जो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल किसानों को जो है ना जानवर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनकी फसल खा जाते हैं, और उनको रोकने का सबसे बढ़िया इलाज है कि अपने खेतों के चारों तरफ इसकी बाड़ लगा दें, जिससे कि जानवर घुसेगा नहीं। हम तो इसको खैर नीचे से इसकी छांट देते हैं, देखो नीचे से काटा हुआ है। अगर जो आप काटेंगे नहीं तो 10-10 फुट पर अगर जो आप इसकी बाड़ लगाएंगे तो ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ये और जुड़ने के बाद क्या होगा कि जानवर इसके अंदर घुसेगा नहीं, और जो घुसेगा नहीं तो फिर किसान को तो फ़ायदा ही होगा ना, उसकी फसल बर्बाद नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फल को तोड़ो और मार्केट में ले जाओ, मार्केट में बहुत महंगा बिकता है, 300-300 रुपये 350 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। किसान को तो आधे पैसे मिल जाएंगे तो वो भी बहुत होते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि किसान लोग, और मैं तो इसको जो है काफ़ी पेड़ लोगों को बना के दे चुका हूँ, काफ़ी पेड़ हैं मेरे पास जो इसके मैंने बनाए हैं और काफ़ी लोग बाग दे चुके हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक तरफ से झाड़ी नुमा पेड़ है, इस पर झाड़ी, तो जो भी कोई झाड़ी नुमा पेड़ होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना उनकी कोई केयर की ज़रूरत पड़ती है कि इनको इस टाइम पानी देना है। अगर जो ज़मीन में लगा हुआ है तो ये अपना ज़मीन से ही पानी सोख लेता है। और इसके जो है अचार डाल लो करौंदे का, आप मुरब्बा बना लो इसका करौंदे का, और इसका सब्जी भी बन जाती है, मिर्च वगैरह डाल के जो है सब्जी बन जाती है इनकी। और विटामिन सी इतना होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और ये फ़ायदेमंद होता है। इसका अचार तुम फल ज़्यादा भी खा लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे नींबू का अचार होता है, आम का अचार थोड़ा नुकसान देता है, टेस्टी बेशक होता है, लेकिन नींबू का अचार हुआ, करौंदे का अचार हुआ, ये आपको नुकसान नहीं देंगे। एक छोटी सी जानकारी थी, किसी किसान भाई को अगर जो ये पेड़ चाहिए मेरे से तो मैं उनको दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई मैं पैसा नहीं लेता हूँ। बस ये मेरा शौक़ है कि मैं इनको प्लांट बनाऊँ और किसानों को दूँ। काफ़ी ले जा चुके हैं मेरे पास से, मैं हज़ारों की तादाद में इनको दे चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि इस पर जो है फल जो है 12 महीने आता है, बीच में एक दो महीना का आप छोड़ दो। अब देखो कितनी फ्लावरिंग आ रही है इस पर, जब इस पर फूल आया मतलब फल आएगा तो ये बिल्कुल नीचे झुक जाएगा, इतना फल आएगा इसके ऊपर। तो एक ये थोड़ी सी जानकारी थी कि किसी भाई को अगर जो चाहिए ये प्लांट तो मैं दे सकता हूँ। इसी उम्मीद के साथ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, भगवान आपको खूब सारी खुशियाँ दें। नमस्कार।